धामपुर के मछली बाजार में आज उस समय हंगामा हो गया जब एक शराबी ने डीएम और एसडीएम के नाम पर जमकर उत्पात मचाया। शराबी की पिटाई के बाद भी वो अपनी पहुंच का हवाला देते हुए अधिकारियों के नाम पर लोगों को धमकाने में लगा रहा। शराब के नशे में धुत इस युवक ने दो युवकों पर हमला भी किया। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी को दबोच लिया। इस पर शराबी ने पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहा कि अभी रुक जाओ, डीएम साहब आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि शराबी का भाई एसडीएम ऑफिस धामपुर में चपरासी है, जिस वजह से शराबी युवक अपने आप को ही एसडीएम समझने लगा है। जिस युवक को शराबी ने घायल किया था उसे प्राइमरी चिकित्सा देने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल युवक तनवीर ने 5 लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। मोहल्ले वालों का आरोप है कि ये शराबी आए दिन शराब पीकर मोहल्ले में हंगामा करते रहते हैं। ये डीएम के नाम से लेके खराब हो गया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। तनवीर जी, आप अस्पताल में हो, क्या मामला है? जी, एक शराब के नशे मार के उसने मेरे सिर पे बाल्टी मार दी। वो डीएम का नाम ले रहा था, उसका भाई डीएम की चपरासी करता है, सरकारी नौकरी में उसकी दोस्त देता था। अच्छा। उसने मेरे सिर पे बाल्टी मार दी। मेरे भाई को पहले उसने थप्पड़ मारा, मैं छुड़ाने के लिए भागा तो उसने 4-5 भाई ने आके मुझे मारा। एक सलमान था, एक सलीम था और एक बंटी था, एक वसीम था, एक फहीम था। ये 5-6 भाई दोस्त दिखाते सरकारी नौकरी का कि हम सरकार हमारा भाई सरकारी नौकरी में है। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उसके साथ कार्रवाई हो।